मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आपके बालों के लिए एरंडी का तेल का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताऊंगी। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू, ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी डाले हुए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। एरंडी का तेल बालों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो है आपको मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और फिर बेल के बटन पर क्लिक करना है ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। चलिए बालों की सुंदरता के लिए एरंडी का तेल कैसे इस्तेमाल करना है। घने मुलायम काले बालों को 6-7 हफ्तों तक नियमित रूप से एरंडी का तेल का उपयोग करना चाहिए, इससे बाल सुंदर और घने हो सकते हैं। इस तेल को अरंडी का बीज से निकाला जाता है जो हल्के पीले रंग का होता है। यह तेल बालों को बढ़ने के लिए मदद करता है और नए बालों को उगाने के लिए मदद करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब मैं और कुछ बातें बताती हूँ आपको एरंडी के तेल के बारे में, उसका उपयोग कैसे करना है। एरंडी के तेल गर्म करने के लगाने से यह ज़्यादा लाभदायक होता है। तेल को ज़्यादा गर्म ना करें, उसकी ठंडक दूर करें और अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे ठंडा होने दें, वरना गर्म तेल आपके सिर में सिर दर्द हो सकता है। रात को सोने से पहले तेल को रुई में लगाकर सिर की त्वचा में लगाएं। हल्के हाथों से सिर की मालिश करें। बालों में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रात को सोते समय अच्छी तरीके से लग जाएगा। नहाने से पहले तौलिया को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें, फिर अपने बालों को जूड़े की तरह बांधकर उस पर तौलिया लपेट लें और कुछ देर रहने दें। ऐसा माना जाता है कि पानी के संपर्क में आकर एरंडी का तेल कुछ इस तरह से प्रक्रिया करता है जो आपके बालों में लाभ मिलता है। ध्यान रहे कि यह तौलिया वही हो जिसे आप सोते वक्त तकिए पर रखा। कुछ देर बाद तौलिया हटा लें और अच्छी तरह से शैम्पू से बाल धो लें।